नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रतियोगिता दर्पण की जो हिंदी मासिका आती है, उस प्रतियोगिता दर्पण की हिंदी मासिका का सितंबर 2019 का जो अंक आया है, उस अंक के इंपॉर्टेंट MCQ हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें, तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो सारे प्रश्न दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने सितंबर माह का उसका संपूर्ण जो प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह है, वह हमने वीडियो बनाकर डाल दिया है। यदि वह भी आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर वह वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ें, जिसमें हम स्टडी से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी आप तक शेयर करते रहते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में शीर्ष पर जो देश रहा है उनके नाम है जापान और सिंगापुर। तो उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर हो गया। तो इसका संपूर्ण जो सार संग्रह है उसका अलग से वीडियो बनाकर डाल रखा है, यदि आपने नहीं देखा हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर आप हमारे प्रतियोगिता दर्पण का जो सार संग्रह है वह भी देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का निशान है उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत दोस्तों 86वें स्थान पर रहा है। तो ये 86वां इसका राइट आंसर हो गया। और प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहे हैं? तो आपको अभी ऊपर बताया मैंने दोस्तों कि सिंगापुर और जापान है, ये पहले स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जापान व सिंगापुर के पासपोर्ट धारक कितने देशों की यात्रा बिना वीजा के कर सकते हैं? तो जापान और सिंगापुर के जो पासपोर्ट धारक हैं वह दोस्तों 189 देशों की यात्रा बिना वीजा के कर सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के पासपोर्ट धारक हैं जो भारतीय इंडियन पासपोर्ट जिनके पास है वह कितने देशों की यात्रा बिना वीजा के कर सकते हैं? तो भारतीय जो पासपोर्ट धारक हैं वह दोस्तों 58 देशों की यात्रा है वह बिना वीजा के कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत को नाटो देश जैसा दर्जा देने संबंधी विधायी प्रावधान किस देश की संसद में पारित हुआ है? तो ये दोस्तों अमेरिका की संसद में पारित हुआ है, तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप व किम जोंग उनकी ऐतिहासिक तीसरी वार्ता जून 2019 में कहां पर आयोजित की गई? तो डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उनकी जो ऐतिहासिक तीसरी वार्ता की गई है वह ऐसेन्य कर क्षेत्र में आयोजित की गई है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला है, हाल ही में किस देश ने ब्रह्मांड का नक्शा बनाने के लिए टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो ये किस देश ने किया है? तो ब्रह्मांड का नक्शा बनाने के लिए हाल ही में रूस ने टेलीस्कोप लॉन्च किया है, तो रूस इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में रूस ने ब्रह्मांड का नक्शा बनाने के लिए टेलीस्कोप लॉन्च किया है, उनकी अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? तो उसकी अंतरिक्ष जो एजेंसी है उसका नाम है दोस्तों रोसकॉस्मोस, उनकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, तो रोसकॉस्मोस इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा यह टेलीस्कोप कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये दोस्तों कजाकिस्तान से लॉन्च किया गया, तो कजाकिस्तान इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश यूरेनियम के तय सीमा से अधिक संवर्धन कर रहा है? इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने की है। तो कौन सा देश कर रहा है? तो यूरेनियम की तय सीमा से जो अधिक संवर्धन कर रहा है वह है दोस्तों ईरान, तो ईरान इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने हाल ही में जून 2019 में किस देश के साथ एंटी टैंक मिसाइल खरीदने का सौदा किया है? तो भारत ने दोस्तों हाल ही में जून 2019 में रूस के साथ एंटी टैंक मिसाइल खरीदने का सौदा किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए जुलाई 2019 में किस देश में जलवायु आपातकाल लागू किया है? तो जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए फ्रांस ने दोस्तों 2019 में जलवायु आपातकाल लागू किया है। नेक्स्ट देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए सर्वप्रथम किस देश में जलवायु आपातकाल लागू किया गया? तो सर्वप्रथम दोस्तों ब्रिटेन में जलवायु आपातकाल लागू किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के स्पेस प्रोब ने दूरस्थ उल्कापिंड के नमूने एकत्र किए हैं? तो हाल ही में दोस्तों जापान
जो कंट्री है जापान देश के स्पेस प्रोब ने दूरस्थ उल्कापिंड के नमूने एकत्र किए हैं। अगला प्रश्न है, जापान के स्पेस प्रोब का क्या नाम है जिसने दूरस्थ उल्कापिंड के नमूने एकत्र किए हैं? तो जापान के जो स्पेस प्रोब है उसका नाम है दोस्तों हायाबुसा 2। तो हायाबुसा 2 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, उस उल्कापिंड का क्या नाम है जिसकी भीतरी सतह के नमूने जापानी स्पेस प्रोब ने एकत्र किए हैं? तो उसका नाम है दोस्तों रयुगु। तो रयुगु इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण यदि आप देखते हैं तो इसके अलावा आपको करण जी के कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो हाल ही में दोस्तों अमेरिका ने अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। तो अमेरिका इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में जुलाई 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो इबोला वायरस के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। नेक्स्ट है, इबोला विषाणु से होने वाला संक्रामक रोग है, इस रोग को प्राकृतिक वाहक किसे माना जाता है? तो इस रोग का जो प्राकृतिक वाहक माना जाता है ये चमगादड़ को माना जाता है। तो चमगादड़ इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में चंद्रयान 2 को किस देश ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में चंद्रयान 2 को लॉन्च करने वाला देश है भारत। तो इंडिया चंद्रयान 2 को लॉन्च करने वाला देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रयान 2 को किस तिथि को लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 2 को दोस्तों लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 को रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, उस रॉकेट का नाम क्या है? तो चंद्रयान 2 को जिस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया उसका नाम है दोस्तों GSLV Mk3M1। तो ये ए इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रयान 2 का वजन कितना था? तो चंद्रयान 2 का जो वजन था वह 3872 किलोग्राम चंद्रयान 2 का वजन था। तो ये ए इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 के चंद्रमा पर उतरते ही ऐसा करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो चंद्रयान 2 के चंद्रमा पर उतरते ही ऐसा करने वाला भारत है, यह दुनिया का चौथा देश ही बन गया है। तो डी चौथा देश इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक के चौथी बार मुख्यमंत्री के शपथ किसने ली है? तो कर्नाटक के चौथी बार जो मुख्यमंत्री की शपथ ली है वह है दोस्तों BS येदियुरप्पा, जो भारतीय जनता पार्टी से है। इन्होंने चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। इनसे पहले HD कुमारस्वामी थे जिनकी सरकार गिर गई थी, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद में BS येदियुरप्पा ने चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है ये हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटेन की इंटरनेट मार्केट रिसर्च और डेटा एनालिसिस फर्म के अनुसार विश्व में सबसे पसंदीदा भारतीय कौन है? तो विश्व में जो सबसे फेवरेट इंडियन है उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटेन की इंटरनेट मार्केट रिसर्च और डेटा एनालिस्ट फर्म के अनुसार विश्व के सबसे पसंदीदा व्यक्ति कौन है? तो सबसे पसंदीदा इंडियन है वह तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन विश्व में जो सबसे पसंदीदा व्यक्ति है उनका नाम है बिल गेट्स। तो बिल गेट्स इनका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में जो देश पहले स्थान पर रहा है उसका नाम है स्विट्जरलैंड। तो ए स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें दोस्तों जो भारत का स्थान रहा है वह 52वां स्थान रहा है। तो 52वें स्थान पर भारत देश रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 को पहली बार किस देश ने लॉन्च किया? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 को पहली बार लॉन्च करने वाला जो देश है वह दोस्तों भारत देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की ओर से किसने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 को जारी किया? तो भारत की ओर से इसे जारी किया दोस्तों पीयूष गोयल ने। तो पीयूष गोयल इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना दिबांग बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किस राज्य के लिए मंजूरी दी गई है? तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अब हिंदी समेत कितनी अन्य भाषाओं में उपलब्ध रहेंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय है वह अब हिंदी समेत 6 भाषाओं में उपलब्ध रहेंगे।
अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किस भारतीय सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी को पाकिस्तान द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा पर रोक लगाई है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दोस्तों कुलभूषण जाधव जो पाकिस्तान की जेल में बंद हैं उस नौसेना अधिकारी को पाकिस्तान द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह हेग नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2019-20 किसने संसद में प्रस्तुत किया? तो ये दोस्तों संसद में प्रस्तुत करने वाली हैं निर्मला सीतारमण, तो निर्मला सीतारमण इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2019-20 संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो ये दोस्तों संसद में 5 जुलाई 2019 को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2018-19 को निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो आर्थिक समीक्षा 2018-19 को निर्मला सीतारमण ने 4 जुलाई 2019 को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गांधी मंडेला शांति पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त हुआ है? तो गांधी और नेशनल मंडेला शांति पुरस्कार जो 2019 दिया गया है वह दिया गया उपरोक्त सभी को। तो इनमें दोस्तों डॉक्टर अच्युता सामंता भी हैं, महेंद्र मोदी भी हैं और सबाना सनेहा और सुमन है। तो इन सभी को गांधी मंडेला शांति पुरस्कार 2019 से नवाजा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा 2019 में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब किसे दिया गया है? तो ये दोस्तों सुनील छेत्री को दिया गया है। तो सुनील छेत्री जो इंडियन फुटबॉलर हैं उन्हें दोस्तों अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा 2019 में सर्वश्रेष्ठ उदीयमान फुटबॉलर का खिताब किसे दिया गया है? तो ये अब्दुल सहल को दिया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ एशियाई फिल्म का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म को मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ जो एशियाई फिल्म का पुरस्कार मिला है ये गली बॉय को मिला है। नेक्स्ट है, गली बॉय फिल्म का निर्देशन किसने किया था? तो जोया अख्तर ने गली बॉय फिल्म का डायरेक्शन या डायरेक्टर रही है, इन्होंने इसका निर्देशन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को ICC ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में सचिन तेंदुलकर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सचिन तेंदुलकर से पूर्व और कितने भारतीय ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं? तो इससे पहले दोस्तों 5 भारतीय हैं वह हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं, जिनमें प्रथम बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ शामिल हैं। तो अभी 6 स्थान पर किन्हें शामिल किया गया है? तो ये सचिन तेंदुलकर को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2019 किस देश ने जीता है? तो वनडे जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वह दोस्तों इंग्लैंड ने जीता है, न्यूजीलैंड को हराकर यह मैच जीता है। नेक्स्ट है, ICC विश्व कप क्रिकेट 2019 के फाइनल के विजेता का फैसला किस आधार पर हुआ था? इसके विजेता का जो फैसला हुआ था वह बाउंड्रीज के आधार पर हुआ था, क्योंकि दोनों टीमों ने बराबर रन बनाए थे, उसके बाद में सुपर ओवर हुआ था और सुपर ओवर में भी दोनों टीमों ने 15-15 रन बराबर रन बनाए थे, फिर जिस टीम के बाउंड्रीज अधिक थी उसको विजेता घोषित किया गया था, तो उसमें इंग्लैंड की बाउंड्रीज अधिक पाई गई तो इंग्लैंड को दोस्तों विजेता घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, ICC विश्व कप क्रिकेट 2019 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन बना? तो मैन ऑफ द मैच जो बनाया गया वह बेन स्टोक्स को मैन ऑफ द मैच चुना गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, ICC विश्व कप यानी वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट या मैन ऑफ द सीरीज कौन चुना गया? तो केन विलियमसन इन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट ही चुना गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, विंबलडन टेनिस 2019 में पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? तो विंबलडन टेनिस 2019 में जो पुरुष वर्ग के विजेता बने हैं उनका नाम है नोवाक जोकोविच, ये पुरुष वर्ग के विजेता बने हैं। नेक्स्ट है, विंबलडन टेनिस 2019 में महिला वर्ग के विजेता कौन बने हैं? तो महिला वर्ग के जो विजेता बने हैं उनका नाम है दोस्तों सिमोना हालेप है, ये महिला वर्ग के विजेता बने हैं। नेक्स्ट है, डिंग एक्सप्रेस के नाम से कौन जानी जाती हैं? तो डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाली हैं हिमा दास है, जिन्हें डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। हिमा दास ने जुलाई 2019 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो हिमा दास ने टोटल 5 स्वर्ण पदक हैं वह जुलाई 2019 में अपने नाम में किए हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019 में पुरुष एवं महिला वर्ग के विजेता कौन से देश रहे हैं? तो पुरुष एवं महिला वर्ग के जो विजेता रहे हैं वह दोनों ही भारत देश
रहा है, तो भारत इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, संसद की सबसे अहम मानी जाने वाली लोक लेखा समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष है वह बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें दोस्तों उपरोक्त दोनों यानी लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, देश के नए गृह सचिव कौन बने हैं? तो देश के जो नए गृह सचिव बनाया गया है वह अजय कुमार बल्ला को देश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वह दोस्तों बोरिस जॉनसन है, वह ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल संरक्षक अभियान 1 जुलाई 2019 से शुरू किया है, इस अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम भी दोस्तों जल शक्ति अभियान है, इस अभियान का नाम है। गरुड़ 6 किन दो देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो गरुड़ 6 है यह भारत और फ्रांस के मध्य दोनों देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न है, गरुड़ 6 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? दोस्तों गरुड़ 6 का जो आयोजन है वह फ्रांस कंट्री में देश में किया गया। नेक्स्ट है, HD कुमार स्वामी की सरकार गिरने के बाद BS येदियुरप्पा ने किस राज्य के 31वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक राज्य के 31वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है एवं खुद 4थी बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, गुलाबी नगर जयपुर को 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल करने पर भारत में विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी हो गई? तो ये दोस्तों कुल संख्या हो गई 38 हो गई, तो डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, किस देश में आयोजित 23वें प्रेसिडेंट कप में भारतीय महिला मुक्केबाज मेरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारतीय महिला जो मुक्केबाज मेरी कॉम है उन्होंने इंडोनेशिया में आयोजित 23वें प्रेसिडेंट कप में महिला मुक्केबाज ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान किस देश के विदेश मंत्री हैं जो कि जुलाई 2019 में भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए थे? तो ये UAE के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट है, देश के नए वित्त सचिव किन्हें बनाया गया है? तो राजीव कुमार को है वह देश का नया वित्त सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 3रे संस्करण का आयोजन 18 से 30 जनवरी 2020 में कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों गुवाहाटी में किया गया। नेक्स्ट है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी भारतीय कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी है, यह शीर्ष स्थान पर पहले स्थान पर रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रेसिडेंट्स कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय का क्या नाम है? तो ये शिवा थापा है, यह पहले भारतीय प्रेसिडेंट कप में गोल्ड मेडल जीतने वाले शिवा थापा थे। नेक्स्ट है दोस्तों, वैश्विक स्वास्थ्य सेवा शिखर सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2019 में कहां पर किया गया? तो ये दोस्तों जुलाई 2019 में हैदराबाद में किया गया था। अगला प्रश्न है, नोवा सार्क फिल्म महोत्सव 2019 का आयोजन कहां पर किया गया? तो नोवे सार्क फिल्म महोत्सव 2019 का जो आयोजन किया गया यह कोलंबो श्रीलंका में किया गया, तो कोलंबो श्रीलंका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, रेलवे परिसरों व रेलगाड़ी के अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन थ्रस्ट है, इसे शुरू किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकिया अमानो किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के महानिदेशक थे जिनका 18 जुलाई 2019 को निधन हो गया है? तो यूकिया अमानो है ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक थे जिनका दोस्तों 18 जुलाई 2019 को निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, 19वें राष्ट्रमंडल विदेश मंत्रियों की बैठक जुलाई 2019 में कहां पर संपन्न हुई? तो ये बैठक दोस्तों लंदन में संपन्न हुई थी, तो लंदन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, BCCI ने बेंगलोर स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो BCCI ने दोस्तों बेंगलोर स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का जो प्रमुख बनाया गया है वह पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। तो ये दोस्तों इतने क्वेश्चन हैं, 75 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, तो ये प्रतियोगिता दर्पण का जो सितंबर का जो अंक आता है उस अंक के सारे प्रश्न हम आपको करवा दिए। तो हमारा वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुपों में टेलीग्राम ग्रुपों में इसे शेयर जरूर कर दें। तो यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का साइन है
उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।